क्या सीखा है मैंने इस टाइम पे, जिस समय आप देख रहे हैं कि देश में हाहाकार मची हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सीखी। उसमें से कुछ लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपना विचार भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी और सीखी ना, कि वो अपना खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकली, मेंटली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकली ध्यान रखने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर 1, एक तो अच्छा खाना खाना है, जितना अच्छा आप खा सकते हैं। इसमें कोई अमीरी गरीबी वाली बात नहीं है। हेल्दी फूड खाइए। अगर आपके पास पैसे हैं और आप भाई बाहर से मंगा के ले पिज़्ज़ा ले बर्गर खा रहे हैं, तो ये हेल्दी नहीं है। आपके पास पैसे होते हुए भी आप गलत चीज़ खा रहे हैं। आप घर पे बनाइए जो बनाना है आपको, राइट। घर पे खाइए, घर का खाना खाते रहिए और घर में भी हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि भाई मेंटली अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप मेंटली अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर हावी होती जाती हैं और आप फिर एक तरह से खो जाते हो इन सब चीज़ों के अंदर, राइट। सो ये फिज़िकली फिट, मेंटली फिट। फिज़िकली फिट का एक पार्ट और, कि आपने डेली डेली आपने 30 मिनट्स अपने लिए निकालने ही निकालने हैं अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। इम्यूनिटी इज़ जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जितना आप इसे बढ़ाएंगे उस टाइम पे जब इसकी ज़रूरत नहीं है, उतना ये काम आएगी उस टाइम पे जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इसको बढ़ाते रहिए। अपने आप को 30 मिनट्स के लिए मजबूर कीजिए कि आप एक्सरसाइज करें। और एक चीज़ मैंने और सीखी कि इस समय अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप पैसे कमा रहे होते हैं, अगेन बिल्कुल लाइक इम्यूनिटी, उसे सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको मुश्किल के समय पे ये चीज़ काम आए, राइट। तो ये है मेरी सबसे टॉप मोस्ट लर्निंग, राइट, कि आपने अपना ध्यान रखना है। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अगर भाई कोई चीज़ बताई जाती है उसे फॉलो करो। मास्क मजाक नहीं था और ना ही है, शायद अब हम पूरी ज़िंदगी मास्क लगाएंगे, राइट। मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब ये शुरू हुआ तो मेरे पास पहले से ही 150+ मास्क पड़े हुए थे, डिस्पोजेबल मास्क, क्योंकि मैं अमेज़ॉन से हमेशा मंगा के रखता था। मैं जब भी साफ़ सफाई करता था ना अपने ऑफिस की, कभी कभी मैं खुद झाड़ू लगाता था तो मैं उसे पहनता था। इवन मेरा कोई स्टाफ भी करता, मैं उसे बोलता था मास्क लगा ले भाई। सो ये मास्क कोई मजाक नहीं था भाई, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। सो प्लीज़ जो आपको बोला जाता है उसे सीरियसली लीजिए। हम लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, शादियां करने लग गए भाई, 500 500 हज़ार हज़ार लोग बुला के, नॉट एवरी वन बट येस, सिनेमा हॉल्स में जाने लग गए। ठीक है, जो जा रहे हैं भाई जाए, हम क्यों जाएं, आप क्यों जाएं। प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में सिखाया जाता था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उम्मीद करता हूँ सुना होगा आपने, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो ये चीज़ मैंने देखी कि लोग बाग ओवर कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और सारे प्रिकॉशंस, कई लोगों ने प्रिकॉशंस माने नहीं। मैं एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि देखिए, मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, उनके किसी रिलेटिव की जो है वो डेथ हो गई है, और वो अब माइक में जब बात कर रहे हैं उनका मास्क 25 बार गिर रहा है नाक से नीचे। कैसा मास्क है आपका ये? मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ, लेकिन आप सोचिए ना कि अभी आपके किसी के घर में आपकी एक एक, एक ट्रेजेडी हुई है, लॉस हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें एक बीमारी लगी, और बीमारी क्यों लगी आप उसी के कारण को नहीं समझ पा रहे। आपका खुद का मास्क नीचे गिर रहा है 10 10 बार। मतलब मुझे बहुत इरिटेशन हुई है देख के कि यार ये एक सिंपल सिंपल एक मास्क, और ऐसा नहीं अफोर्डेबल टिश्यू था, पूरा फैशनेबल मास्क था सर, बढ़िया फैशन का ब्रांड लिखा हुआ है साइड में, चलो ठीक है जो भी था। बट पॉइंट ये है कि प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए कि ये चीज़ें आपके लिए और आपके आसपास वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके घर में कुछ हुआ है उससे पूछिए कि कितना नुकसान करता है ये, राइट। सो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई वो फॉलो कीजिए। और अब देखिएगा वैक्सीन को लेकर दिक्कत आएगी। अब लोग बाग वैक्सीन को लेकर हो हल्ला काटेंगे कि भाई ये वैक्सीन नहीं लगवानी, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। अभी इसको लेके इतनी ज़्यादा नफरतें और इतनी ज़्यादा चीज़ें फैलने वाली है ना कि लोग बाग वैक्सीन लगवाएंगे। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको अगर
कहीं मतलब इतने सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो वैक्सीन लगा के अपने आप को बचा रहे हैं। ओके सो फॉलो दिस, जो भी आपको कहा जाता है उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। और यही कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी कि भाई फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस एंड नो ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और मैंने आपको अपना ध्यान रखने के लिए बताया क्यों बोला, अरे भाई भगवान ना करे किसी के घर में दो कैंडिडेट्स को, दो लोगों को कुछ हो, तो कम से कम एक तो होना चाहिए ना जो सबको संभाले। अभी मैंने देखा मेरी दो बुआ के दोनों मेरे दो बुआ के लड़के हैं, एक का नाम मान लेते हैं ए, एक का नाम मान लेते हैं बी, ए को भी हुआ बी को भी हुआ, एक की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी दूसरी बुआ का लड़का उसको लेके घूम रहा है भाई हॉस्पिटल्स में, दोनों को ही कोविड है। लेकिन अब ये देखो कि अगर बी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती तो वो ए को कैसे हेल्प कर पाता, वो उसके लिए ऑक्सीजन अरेंज कर रहा है, वो उसको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल लेके घूम रहा है, उसका साथ दे रहा है कि भाई नहीं प्रोनिंग कर, ये कर वो कर, जस्ट थिंक ओवर इट। तो ये और हो सकता है इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि एक को ज़्यादा हुआ एक को कम हुआ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी होगी तो वो आपको कम अटैक करेगा और आपके पास मौका होगा कि आप अपने आसपास वालों को बचा पाओ अगर ऐसी स्थिति आ गई तो। ये काफ़ी यार इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको अप्लाई करेंगे। और भी हैं बहुत सारी लर्निंग्स, वो भी कभी फुर्सत से आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखें। आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप बाकी लोग जो आपके आसपास हैं उनका ध्यान रख पाएंगे, तभी आप लोग जो है सबकी हेल्प कर पाएंगे। और जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने आप को कोरोना नहीं होने देते हैं, अपने आप को कोविड नहीं होने देते हैं, तो आप देश का भी भला कर रहे हैं। देश का भला कैसे कर रहे हैं आप, देश की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ना आँच नहीं आने दे रहे हैं आप, एक एक पेशेंट कम कर रहे हो अपने आप को बचा के। अब यही एक एक करके अनेक हो जाएं और ये अनेकों जो है हज़ारों में, हज़ारों मतलब लाखों में लोग अगर तब्दील हो जाएं कि जो लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को कोरोना से बचा के रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश की मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। सो प्लीज़ चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ऑडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार हों वो बताइएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सही में मुझे अपना मेंटर, अपना टीचर समझते हैं और आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कुछ नया, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, कुछ खुद से पढ़कर सीखकर आपको सिखाता रहूँगा। ओके गाइस, चलिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।